असली सब्सक्राइब का बटन दबाने का है, वरना अपन तुम्हारे घर में आके सब्सक्राइब का बटन दबा देगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत, क्या हाल चाल भाई साहब। तो गुड न्यूज ये है कि आज अपनी कार लेने के लिए जा रहे हैं हम, और भाई साहब बहुत दिनों से वेट कर रहा था इस कार का, वेटिंग भी बहुत थी इसकी, बट मेरे को टाइम पे मिल गई। और ड्रीम कार इन द सेंस कि ड्रीम कार तो क्या बोलूँगा, लेकिन हाँ बड़ी कार चाहिए थी, वो काम हो गया मेरा, ठीक है। और चल के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को क्या ही सीन है, और मज़ा आ गया यार, दिल खुश है आज, बहुत दिल खुश है। क्योंकि हर बंदे का एक होता है ना लाइफ में कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि मैंने ये करना है वो करना है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक कार का भी ड्रीम होता है, और वो ड्रीम मेरा ना आज पूरा होने जा रहा है। अब जाके देखते साला कोई उल्टा सुलटा कुछ और वो ना हो जाए, बाकी तो सब ठीक है। बाकी और कोई दिन नहीं, PDI वगैरह कर ली थी मैंने पहले, उसकी वीडियो मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है। PDI देख लेना किस तरीके से की है, और बाकी तो भाई अब वहाँ पर जाके पता चलेगा कि कोई झोल ना हो जाए यार मेरा, पता नहीं थोड़ा सा ना घबराहट सी हो रही है, क्योंकि मतलब सारी चीज़ें इतनी स्मूथली चल रही हैं तो शायद इतनी स्मूथली की आदत नहीं है, ठीक है। बाकी अभी चलते हैं, और चल के फिर इसके बाद बताता हूँ मैं भाई साहब कि क्या ही सीन है। अब निकालते हैं अपनी बुलेट भाई साहब, एक यही तो है जिसको देख के लगता है कि इतने दूर कुछ है। चलते हैं, ये भी ठीक ठाक है, चल कोई नहीं। तो भाई लोग अभी क्या है कि शोरूम से गाड़ी लेके आ गए हैं अपनी, ठीक है। और सबसे बड़ा क्लैश क्या था, सबसे बड़ा क्लैश ये था कि जब शोरूम से उन्होंने गाड़ी निकाली, और मैंने लिटरली बताओ कि इससे पहले i20 थी मेरी, उसकी अलग ही कहानी है। तो i20 और इसमें डिफरेंस है, इसकी लेंथ में डिफरेंस है, और इसकी विड्थ में भी डिफरेंस है। तो सिनेरियो ये था, और ऊंचाई भी इसकी ज़्यादा है, तो मैंने आज तक ऐसी गाड़ी नहीं चलाई थी। एक्चुअली इससे बड़ी भी गाड़ी चलाई है, लेकिन मैंने क्या है कि आर्मी की गाड़ी चलाई है वो, और उसके और इसके अंदर ना बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जबकि वो 3200 सीसी का इंजन है वो, और ये 2200 सीसी का ही है। उसके बाद भी क्या कहते हैं कि मुझे इतना डर लग रहा था कि जब वो अंदर से निकाला था, मैं आप वीडियो देख लेना आप, मैं जब वो बाहर निकल रहा था तो उसको बोला मैंने कहा कि भाई ऐसा करके जिस डायरेक्शन में मुझे जाना है उस डायरेक्शन में गाड़ी को खड़ी कर दे दूँ, ठीक है, वहाँ से मैं लेके जाऊँगा। और लिटरली मैं बताऊँ मैं कि मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की कि भाई तू 200 रुपये 400 रुपये जो भी लेना है ले ले भाई, गाड़ी मेरे घर तक खड़ी कर दे, मेरे रूम तक खड़ी कर दे। बट क्या है कि उनके पास ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, तो ये मजबूरी में गाड़ी लेके आनी पड़ी। और वहाँ से और यहाँ तक के बीच का डिफरेंस क्या था, कम से कम 15 किलोमीटर का डिफरेंस था। बट जब मैंने स्टार्टिंग के 3 किलोमीटर चला ली, तो उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो गया कि नहीं यार अब मैं गाड़ी चला सकता हूँ, इस गाड़ी को मैं चला लूँगा मैं ऐसे करके ना। इस ऐसा नहीं कि मैंने ये गाड़ी चलाई नहीं है, मैंने इससे पहले टेस्ट ड्राइव ली है, कम से 15-20 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव ली थी। लेकिन भाई सीन क्या है ना कि उन गाड़ियों का, और जब आपने परचेज़ कर ली उस गाड़ी का, थोड़ा सा मतलब कि रहता है, मतलब कि आप यार लाइट थोड़ी सी कम सी लग रही है, ठीक है लाइट जलाई लूँ मैं, तो मतलब कि वो चीज़ें रहती हैं। अब ला के यहाँ पे खड़ी कर दी, अब
सीन क्या है कि इसकी पूजा आज मैं नहीं करा सकता और मेरे घर वाले नहीं आ सकते थे, घर वाला कोई भी नहीं आ सकता था क्योंकि वो बहुत दूर है और ये गाड़ी मेरे को कोलकाता में अपने एरिया के हिसाब से 50,000 रुपये कम पड़ रही थी, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ से परचेज कर लिया। तो अब घर वाले नहीं आ पाए लेकिन पूजा पाठ तो होगी होगी, तो पूजा पाठ तो अब घर पे जाके एक छोटी सी पूजा यहाँ पे भी होगी क्योंकि मुझे अभी यहाँ से 700 किलोमीटर में गाड़ी चला के जाऊँगा मैं बनारस तक, तो वो 700 किलोमीटर्स के लिए तो फिर मतलब कि यार लोहा है आपका, आपको क्या है कि थोड़ा तो मतलब आपको पूजा पाठ करनी ही पड़ेगी, ठीक है, आप मानो चाहे ना मानो आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोहा है, आपको लग गया तो बहुत वेल एंड गुड, और जिसको नहीं लगा ना भाई साहब वो तो कौड़ियों के भाव अपनी गाड़ियां बेच देते, इस बात को मान के चलो आप, ठीक है। तो इसकी पूजा पाठ छोटी मोटी होगी यहाँ पे, उसके बाद तो मम्मी ने पूजा पाठ करनी है इसकी घर पे जाके, और घर पे जाने से पहले पॉसिबिलिटी ये है कि इसकी मॉडिफिकेशन करवानी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये Z2 मॉडल है, बेस मॉडल है, और इसके अंदर एक्चुअली क्या है ना कि मैंने आज से पहले जो भी गाड़ियाँ चलाई हैं मैंने मतलब i20 चलाई, और जो रिक्वायरमेंट है मेरी ये रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल करती है, ऐसा नहीं कि मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करती, लेकिन इसका फ्रंट का ये स्क्रीन वगैरह और ये पूरा पैनल मैं थोड़ा सा चेंज करवाने की कोशिश करूँगा मैं, बाकी अंदर से और कोई मेरे को ऐसा इशू लगता नहीं। रियर कैमरा हो गया, अलॉय व्हील्स इसके लगने हैं, वो अलॉय व्हील्स मैं लगाऊंगा, अब ये डिफाइन करेंगे कि 17 का लगाएं कि 18 का लगाएं, वो टाइमिंग मतलब कि डिपेंड करता है, मैं मतलब कि जो पहले माइंड में है मेरे कि 17 इंच का ही मेरे को लगाना है, लेकिन अगर वहाँ पे सिनेरियो कुछ चेंज हो गया क्योंकि जब ऐसा कोई मूवमेंट आता है ना तो कुछ टाइम के लिए, और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि माइंड आपका ना एकदम ऐसा हो जाता है कि जैसे जादुई टाइप का हो जाता है कि किसी ने जादू कर दिया और आप वही मतलब कि आप 18 इंच पे ही चले गए हो, लेकिन फ्रूटफुल क्या था, वो फ्रूटफुल आपका 17 इंच ही था, लेकिन क्या है कि आप 18 इंच पे चले जाते हो। तो मेरा सिनेरियो है कि मैं अभी से वेल डिफाइंड नहीं हूँ मैं कि 17 करवाऊँगा 18 करवाऊँगा, पॉसिबिलिटी ये है कि 80% में 17 इंच ही डलवाऊँगा क्योंकि क्या कहते हैं कि जितना साइड क्लियरेंस ज़्यादा मिलेगा, एक तो वो EPS बोलते हैं या क्या बोलते हैं जिसमें बॉर्डर रोलिंग वगैरह होती है, मुझे एग्जैक्टली उस चीज़ का नहीं पता है, वो चीज़ मैं इसमें मिनिमम चाहता हूँ मैं, और मैं मतलब कि इतना मेरे को कुछ ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर करवा लें तो वेल एंड गुड। और बाकी क्या कहते हैं पूरा एक्सटर्नल पूरा मॉडिफिकेशन होगा, और यहाँ पे अंदर तो कंसोल्स वगैरह थोड़े से चेंज करवाऊँगा मैं, और अपना क्या कहते हैं कि यहाँ पे अपना सनग्लासेस रखने के लिए जो भी सिनेरियो होता है यहाँ पे पूरा कंसोल टाइप का होता है जो, वो करवा लूँगा, फॉग लाइट लगवा लूँगा, और स्टेप्स लगवा लूँगा मैं ऊपर के, रूफ रिल्स लगवा लूँगा, डिफॉगर लगवा लूँगा पीछे में, और कहते हैं जो LED बल्ब्स हैं, मैं मतलब मेरी कोशिश है ये कि LED बल्ब्स लगवा लूँगा, लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं बट चीज़ें क्या है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स ऐसी नहीं है, ठीक है, और जो जिस चीज़ का आपको समझ ही नहीं है तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको लिटरली नहीं होगी आपको। हाँ, म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर अच्छा लगवाऊँगा ये कन्फर्म है क्योंकि गाड़ी चलाता हूँ, म्यूजिक सिस्टम अच्छा चाहिए, वो वाला सीन है, और बाकी तो यार गाड़ी मस्त है, दिल खुश हो गया है, अपने रिलेटिव्स थे अपने फ्रेंड्स थे सब ने बहुत अप्रिशिएट किया है, और Z2 मॉडल लेके क्योंकि मैं Z6 भी ले सकता था ऐसा नहीं कि मैं नहीं ले सकता था, मैं ले लेता, बट क्या है कि Z6 तक मेरे जो पावर है ना इसकी, देखो मैं चलाने वाला कितना हूँ, मैं 80 से 100 110 के बीच में चलाने वाला हूँ, ये गाड़ी बबलिंग करती है 130 140 के आसपास 150 जो भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं वहाँ तक जाता ही नहीं हूँ, मैंने पहले का भी पैटर्न है क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक एक्सीडेंट हो चुका है, और वो बहुत क्या कहते हैं कि मतलब कि 45 या 50 की स्पीड पे ही हुआ था मैं, और उसका एक्सल टूट गया था, मेरे i20 का एक्सल टूट गया था, और तब से मैं डरता हूँ, मैं लिटरली मैं डरता हूँ, तो मैं 80 से 100 के बीच में ही स्पीड रखता हूँ, तो मेरे लिए वेल एंड गुड है।
मेरे को कोई इसमें आपत्ति है नहीं। आपको अंदर का इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं, और स्पेस बहुत है यार। किसी को बोलो ना कि मुझे लगेज रखना है, मुझे ये रखना है, वो रखना है, तो मैं आपको लिटरली बताऊँ कि लगेज का सीन क्या है भाई, कि 5 सीटर ही कंसिडर करके चलो, अगर साथ बैठ गए तो फिर आप लगेज कंसिडर करके ना जाओ। तो मैं 5 सीटर कंसिडर करके चल रहा हूँ इसको, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे। और लिटरली बताऊँ यार आपको, यार मेरा मैं बैठना है मैक्सिमम टाइम मैं बैठना है, मतलब कि मेरे फैमिली मेम्बर्स तो बाद में बैठेंगे, और वो बहुत कम ही रहने मेरे फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पे मैं बैठना और ब्लू ने बैठना है। ब्लू आपको पता होगा मेरा कुत्ता है, बेल्जियम मैनोलॉइस, उसकी फ़ोटो यहाँ पे लग रही होगी, वीडियो लग रही होगी। उसने बैठना है और मैंने, और हम लोगों ने ट्रैवल करना है, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए मैं ही बहुत मतलब कि एग्रेसिव रहता हूँ, और मेरे को ही इंटरेस्ट है, बाकी घर में किसी को है नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई, और घर वालों के लिए तो इतना बड़ा परिवार है नहीं, ठीक है। साथ बैठने साथ भी बैठ जाएंगे, लेकिन फिर लगेज का सीन है भैया, वो पहले ही बता दिया जाएगा। अदरवाइज मैं इसको 5 सीटर ही कंसिडर करके चल रहा हूँ, मैं 7 सीटर इसको कंसिडर नहीं चल रहा। आपको अंदर से मैं इसका सिनेरियो दिखा देता हूँ। ये जो सिनेरियो है भाई, जो भी चीज़ें हैं, जिस तरीके का कंसोल सिस्टम है, जैसा भी इसका मीटर है, मुझे लिटरली मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि मुझे इसको चेंज करवाने की ज़रूरत है। अब टाइम बीइंग है सारी चीज़ें कि मैं जैसे कि मैं क्या बोलते हैं, मैट ब्लैक करवाना है या ऐसे करके, मेरे को अभी अच्छा लग रहा है, पता नहीं पॉलिश है दैट्स वाई मुझे अच्छी लग रही है या हमेशा अच्छी लगी है, ऐसा नहीं पता, लेकिन जब भी चलाऊँगा तो समझ में आ जाएगी। इसका जो स्क्रीन है ये चेंज होगा, ये सारी चीज़ें मैंने चेंज करवानी है, लिटरली ये चीज़ें चेंज होंगी होंगी, ये वाली सारी चीज़ें ये चेंज करवानी है मैंने, ठीक है। ये डोर का ये जो हैंडल है, ये मुझे ऐसा कोई फ़र्क दे नहीं रहा, ना मुझे ये चीज़ फ़र्क दे रही है ना मुझे ये चीज़, लेकिन एक्चुअली क्या है कि अभी पॉलिश हो के रखा है, तो मैं एकदम जस्टिफाई नहीं कर सकता कि यार एकदम सही चल रही है ये चीज़ें। मे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ी सी भी गंदी हो तो बहुत ज़्यादा ऑड दिखाई देती है, तो अगर मेरे को अभी कुछ दिनों में लग जाएगा, क्योंकि अंदर धूल मिट्टी होगी, जैसे कि गाड़ी चला के आते आते बाहर मिट्टी लग गई, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा फील होगा तो मैं इसको फिर करवा लूँगा। और वीडियोस में तो आप लोग देख ही लेते हो कि क्या क्या सीन है, मतलब कि Z2 तो आपने बहुत ही देखी होगी, लेकिन मैं दिल से बताऊँ मुझे बहुत खुशी, इससे ज़्यादा की पावर मेरी की रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं थी। मैं अगर Z6 भी ले लेता तब भी मुझे नहीं लगता कि उतने पावर की मेरे को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरा मतलब कि इच्छाएँ बहुत छोटी हैं भाई, बहुत छोटी इच्छाएँ हैं, उतने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। जिस जगह पे मेरे को जाने नहीं भाई, उस गली का कहे को पता पूछने का है, कहानी बस इतनी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें इसके पूजा वूजा करवाएंगे, यहाँ पे जो छुटपुट अपनी क्या कहते हैं आर्मी के थ्रू जो पूजा होती है वो करवा लेंगे अपने ऑथराइज, उसके बाद अपने गाँव के लिए निकलेंगे भाई, वो वीडियो डाल दूंगा। और उसके बाद ब्लू आएगी साथ में, क्योंकि अब ब्लू बहुत दिनों से नहीं थी, अब ब्लू अब रहेगी साथ में मेरे, क्योंकि जो भी मेरे काम कुम थे वो ख़त्म हो चुके। तो भाई लोग वीडियो ख़त्म करते हैं अपना, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे अपन लोग, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।